टी आर एस क्लिप्स हिंदी इंडिया का सबसे पहले तो आप कैलाश पर्वत के बारे में कुछ चीजें कह सकते जी, हो जी. म, मैं, मैं भी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ कि लोग क्यों ऊपर चढ़ने नहीं देते जी. वहां तक मतलब तीन चार रिलीजन के का yes. वो फोकल पॉइंट है कैलाश पर्वत हिंदुज्म जैनिज्म बुद्धिज्म और टाउइज्माउइज Forms of पर कोई भी इंसान अलाउड नहीं है वहाँ, तक, मतलब किसी को भी चढ़ने नहीं देती तो पहली क्वेश्चन तो मुझे कैलाश पर्वत की आपको पूछनी है और दूसरी क्वेश्चन है की आप ये स्टोरी बता सकते हो की कैलाश पर्वत के सामने आपको क्या हुआ था जी जी तो पहली बात कैलाश पर्वत तो इसका मेंशन बहुत सारे रिलीजियस किताबों में है जैसे बुद्धिज़्म जैनिज्म हिंदुज़म बोलो या टाओ और कहते हैं कि इट इज़ लाइक द सेंटर ऑफ द अर्थ कालीदासके अपने एक जो रचना है उसमें कहते हैं इट्स लाइक द सेंटर ऑफ द अर्थ और आप देखोगे कि इफ़ यू स्टडी जोग्रफिकली आप गूगल मैप्स भी देखो तो इट इज़ इट्स अ इट वेरी हाई स्पॉट जैसे एवरेस्ट के काफ़ी करीब है वो और अगर हम देखें तो कैलाश के आजू बाजू में मैं जोग्राफिकली बताता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर लॉड ऑफ गोल्ड माइंस और वहाँ पे आप जाओगे तो यू विल फील लॉट ऑफ डिवाइन फीलिंग्स जैसे मैंने खुद सुना है ये बात यू you नो know, कि वहाँ पे ऐसे ऐसे मंत्र आपको सुनाई देते हो तो कहाँ है बट दे आर एनी डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर सो दैट स्पेस इवन दो इट इज स्टिल दैट इट्स गॉड अ वेरी डिफाइन वेरी डिवाइन वे वहाँ पर तो ऐसा कहते हैं कहते हैं कि मैंने देखा है ये अपने आँखों से देखा है कि देर आर स्टार्स दैट फॉल इन द नाइट मानसरोवर जो लेक है कैलाश के वजह वहाँ पर डिप करके वापस ऊपर जाता है जैसे कि एंजल्स कम जो दिव्य जो होते हैं दे कम द दिव्य दे कम द टेक ए बात एंड गो बैक तो बहुत सारे ऐसे ऐसे मैजिकल एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे दिखते हैं कि बेसिकली यू एक्सप्लेन इट वहाँ पे हमने ऐसे ऐसे साधु देखे कि कपड़े उपड़े नहीं हैं इतना माइनस ट्वेंटी डिग्रीज में भी वो बैठ के यू you नो know, अपना ध्यान कर दे रहे सो दैट स्पेस इज़ वेरी डिफरेंट अब आपको सेकेंड uh, जो आपने बोला कि मेरा क्या अनुभव रहा है कैलाश के साथ सो एवरीबडी शुड गो टू कैलाश मानसर उसका रीज़न ऐसा है कि ऐसा कहते हैं कि इट इज़ अ प्लेस नॉट इन अर्थ एंड नॉट इन हेवन इट इज़ इन बिट्वीन अगर आपको स्वर्ग लोग में जाना है तो ये देह दे के साथ जा नहीं सकते और अर्थ में ये देह लगता है बट यू कैन गो टू कैलेश कम बैक इन द सेम बॉडी सो इट समवेयर इन बिटवीन ऐसा माना जाता है बट यू टू फील इट तो आपको जा, जाएंगे तो आपको पता चलेगा मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि मेरी कंपनी है जो बीस साल पहले मैंने कहा था जो शुरू की थी एज एन आंध्रप्रदेश कॉल्ड आत्मदर्शन स्पिरिचुअल टूरिज्म तो मैं खुद गया हूँ और भगवान की कृपा से हजारों लोगों को भेजा हूँ एंड हैव डन कैलाश यात्रा मोर देन थ्री टू फोर टाइम्स तो पहली बार जब मैं गया तो मेरे मन में तो कुछ इच्छा नहीं थी बट वो कहते हैं कि इन दैट स्पेस द थॉट दैट कम्स टू यू उस बैकग्राउंड में इट्स नॉट यूर्स तो मैंने जब पहला कैलाश को देखा आई कैन स्टिल विजुअलाइज इट यू नो इन किसी जैसे ही उन्होंने पर्वत को देखा मेरे मन में एक विचार आया आई डोंट नो वाई इट्स इज अपना पूरा जीवन अर्थशास्त्र को समर्पित कर देना ट होल लाइफ टू द स्टडी एंड द प्रोपगेंडा ऑफ अर्थशास्त्र मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था ना मैं वापस आयाखा तो थी मेरे साथ थी दिस वाज अराउंड थर्टी के आस पास हो गए तो मैंने सडनली सोचा कि ये क्या हो रहा है जैसे आपको इंटेशन लगा मुझे लगे क्या है तो आई इग्नोर दैट थॉट है क्या अर्थशास्त्र है ऐसा बट माई वाइफ वॉज इन दैट ट्रिप सुरेखा तो मैंने सुरेखा को तो बताया कि सुरेखा ऐसा विचार आ रहा है मेरे मन में कि आई शुड डेडिकेट माई लाइफ टू अर्थशास्त्र बोला क्या तो उसने बोला ठीक हो है होगा कोई दैट थॉट डिड नॉट लिव मी वो बोलते हैं ना आपको रात को वापस वो जगाता है ऐसा तो क्या हो गया बोलना रियलाइज वन थिंग दैट वॉज अ डायरेक्शन वो जैसे कभी ना कभी वो क्लिक हो जाता है तो मेरे लिए आई बीन अन फॉर्चुनेट दैट वो विचार ऐसे जगह में आया इन द रियलिटी इज दिस और कुछ आता भी नहीं एक चाणक्य और एक अर्थशास्त्र बीस ले बुक लिख दी है उस चीज को लेकर इसीलिए कहता हूँ भगवान की कृपा है और शिव जी का आशीर्वाद